नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियोस हम आपके लिए ही बनाते हैं और यह वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं और आपके प्रॉफिट के लिए ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज के वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में मोटापा एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। आजकल ज्यादातर लोग बढ़ते वजन से परेशान है। बिजी लाइफ और सही खानपान ना होने की वजह से लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम करना, काम का बोझ, तनाव, शराब, सिगरेट का अधिक सेवन लाइफ का एक पार्ट बन गया है, जिससे वजन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ वजन बढ़ने के कारण शरीर में दिल दिमाग और हड्डी से जुड़ी गंभीर बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर को कैप्चर कर लेती है। इसके अलावा मोटापे की वजह से हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके बढ़ते हुए वजन को कम करेगा तेजी से, शरीर की चर्बी को पानी की तरह पिघला देगा। इस उपाय का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा और 50 ग्राम अजवाइन लेंगे। ये दोनों चीजें आपको घर पर ही मिल जाएंगे। इसके बाद हम इसमें 20 ग्राम कलौंजी मिलाएंगे। कलौंजी यहाँ पर आपको 20 ग्राम ही लेनी है। कलौंजी आप सभी जानते ही होंगे, जैसे सब आप देख भी पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रही है। इन तीनों चीजों को हमें धीमी आंच पर 5 मिनट तक रोस्ट करना है, इसे भून लेना है। ध्यान रहे कि इसे ज्यादा नहीं भूनना है, इसे पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। धीमी आंच पर आपको इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। इसे भूनने के बाद आपको इसमें मिलाना है 50 ग्राम सौंफ यानी कि सीड्स। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसे ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद एक ऐसा चूर्ण तैयार हो जाएगा जो बढ़ते हुए वजन और चर्बी को तेजी से बाहर निकाल देगा और हमारे मोटापे को खत्म करेगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि हमें इस नुस्खे का सेवन सही समय पर करना चाहिए, तभी यह सही रिजल्ट देगा। चलिए जानते हैं इसका सेवन किस तरह से करना है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। लाइक के हमें पैसे नहीं मिलते हैं, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटे को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन भी जरूर करिए। आपको इसका सेवन दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद करना है और रात के डिनर के 1 घंटे बाद करें। चलिए कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें चून का 1 चम्मच मिला लें और 1/2 चम्मच काला नमक। आप काला नमक या फिर सेंधा नमक, दोनों में से 1 नमक ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स कर आराम से घुट घुट कर पी लें और ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक करना है। आपको कुछ ही महीनों में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें अजवाइन मिला हुआ है। अजवाइन में एक तेल होता है जो एंटीसेप्टिक होता है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो वजन को कम करने में मदद करते हैं। इसी तरह इसमें मिलाई गई सारी चीजें वजन को, फैट को तेजी से बर्न करने में मदद करती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम है तो आपका शरीर शुगर और फैट का उपयोग नहीं कर पाएगा, जिससे मोटापे को बढ़ावा मिलता है और यह बढ़ते वजन को आसानी से कम कर देता है। यह जरूरी विटामिन और मिनरल से समृद्ध है। चिया पचे के लिए सहायक माने जाते हैं। इसे लेने का सबसे पहला फायदा यही होगा, यह बॉडी में फैट को जमा नहीं होने देता है। और दूसरा फायदा यह है कि जो पहले से ही शरीर में फैट जमा हुआ होता है उसे तेजी से बर्न करेगा। इसके अलावा जिन्हें भी इंडाइजेशन की समस्या है, अपच है, पेट में गैस होता है, एसिडिटी है, कब्जी की समस्या हो, खट्टी डकार आती हो, सीने में जलन की समस्या हो, तो उनके लिए भी यह चून रामबाण से कम नहीं है। इसे जरूर लेकर देखें, इसका बहुत ही फायदा होता है। दोस्तों, यह ड्रिंक शरीर से टॉक्सिन्स, जहरीले तत्वों और शरीर से अवशिष्ट यानी कि वशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है, जैसे हमें लंबी और निरोग आयु मिलती है। यह चून प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और यह कई बीमारियों का कारण भी बनती है। आप अगर अपना मोटापा यकीनन कम करना चाहते हैं तो इस नुस्खे को फॉलो करने के साथ साथ कुछ चीजों को भी आपको फॉलो करना होगा। आपको अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना होगा।
आप जानते ही हैं कि सारी चीजें खाने पीने से ही आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है ये खाने पीने की वजह से ही है। आप सबसे पहला काम करें कि आप सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप ना करें। सुबह आप हाई फाइबर वाले फ्रूट्स लें। आप अंडे खाते हो, अंडे खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए ले सकते हैं। एक और बात, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। पानी हमेशा खाना खाने के एक घंटे बाद ही पीना चाहिए। खाना खाते समय आपको प्यास लगे तो आप एक या दो घूंट पानी पी सकते हैं, और वो भी गुनगुना पानी पीजिए। तीसरी बात, आप खाने को चबा चबा के खाइए। कभी भी एक साथ खाने की कोशिश ना कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके खाएं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाएं, जिससे आपका खाना आराम से पच जाएगा, शरीर पर एक्स्ट्रा फैट नहीं जमेगा। और आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज रखें। थोड़ा बहुत वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर पर योगा कीजिए। अगर आप अपने लिए आधा घंटा भी निकाल लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बढ़ा हुआ वजन, एक्स्ट्रा फैट कम होने के साथ साथ इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और पानी हमेशा सिप सिप करके पीजिए। बैठ कर और आराम से सिप सिप कर पानी पीजिए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।